मैं बिहार बेगूसराय पन्हा से आया। मेरा नाम सरवन शाह है, मेरे पिता का नाम श्री माता का नाम श्रीमती राम। आज बड़े ही हिंदी की टीम थी जो महान वीरांगना दुर्गावती जयंती पे मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कई योजनाओं का लोकार्पण किया, शिलान्यास किया। और मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी भारत में जहाँ जहाँ सभा होती है, ये सभा मेरी 120वीं सभा है। मैं यहाँ मैं अपने श्री राम रूप की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सभा में आज पुरुषोत्तम श्री राम की तरह कार्य करते हैं। और मैं अपने श्री राम के कार्यक्रम में आता हूँ, वो गरीब घर के बेटा है और गरीब के लिए ही कार्य करते हैं। आप कैसे प्रधानमंत्री अद्वितीय ना कभी हुए हैं ना होंगे, क्योंकि गरीब घर में जन्म लेकर गरीबी क्या चीज़ होती है, गरीबी से जूझ कर आज पूरे देश के प्रधानमंत्री बने हैं और वो गरीब घर में जन्म लेकर गरीबों के लिए कर रहे हैं। और आज जो योजना दर योजना लाकर गरीब घर का जन्म गरीब घर में जन्म लेने वाले नेता पूरे दुनिया को दिखा दिया, जो मैं संकल्प लेके निकला हूँ जो गरीबी मिटा के रखूंगा। और आज जो आधार कार्ड लाए हैं मेरे श्री राम, उसमें लोग कमेंट करते थे आने वाला समय में आधार कार्ड से गरीब और अमीर एक समान हो जाए। बहुत शानदार, भारत की जय, जय श्री राम। आप इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी के किसी कार्यक्रम में गए? मैं एक तो ये मेरा 120वीं कार्यक्रम है। शानदार, मैं पूरे 2-4 लाख छोड़ के भारत में मैं सभी जगह गया और वो देख लेते हैं वो अपने ट्विटर आईडी से, फेसबुक आईडी से, इंस्टाग्राम आईडी से मेरे फीड को शेयर करते हैं और कभी कभी बोलते हैं भाई हनुमान देख लिया हूँ, जानता हूँ पहचानता हूँ क्या बैठ जाए। लेकिन आज जो हमारे देश का सिरमौर को जो ऊंचा उठा है ये आज तक नहीं हुआ था। पूर्व में जब वो भी सम्मेलन में विदेश जाया करते थे तो हमारे देश का नेता, हमारे देश का महामहिम और माननीय प्रधानमंत्री पीछे रहा करते थे, दूसरे के नेतृत्व में रहा करते थे। लेकिन यहाँ ऐसे और दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो नज़र वसील हो जाता है तो दूसरे देश के महामहिम या माननीय प्रधानमंत्री वसील हो जाते हैं और इनके नेतृत्व में पूरे विश्व का हर एक सम्मेलन का कार्यक्रम इनके नेतृत्व में होता है। जय हिंद, जय भारत। जय जय श्री राम।